उत्तर प्रदेश पंचायती राज सफाई कर्मचारी ग्राम पंचायत सेवक संघ के तत्वावधान में उक्त समस्याओं के निवारण के लिए एक दिन का कार्य बहिष्कार किया और कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। धरने को संबोधित करते हुए सफाई कर्मचारी ग्राम पंचायत सेवक संघ के जिला अध्यक्ष जसपाल सिंह बाल्मीकि ने उक्त विभाग के अधिकारियों बाबू व ट्रेजरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायती राज विभाग मुरादाबाद के अधीन कार्यरत समस्त सफाई कर्मचारी का उक्त विभाग द्वारा किए जा रहे अधिकारों का हनन किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर अभी हमारी मांग नहीं मानी गई तो 15 दिन के अंदर 18/9/2019 को उक्त संघ के माध्यम से एक विशाल अनिश्चित धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन व शासन की होगी। आज उत्तर प्रदेश पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ के तत्वाधान में कार्य बहिष्कार कर एक दिवस धरना कलेक्ट्रेट सभागार में यह दिया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि पूर्व में भी हमने जिलाधिकारी महोदय को 5 सूत्र ज्ञापन दिया था, परंतु उस पर विभाग द्वारा और ख़ास करके जो बाबू हैं वो इतने नलायक हो चुके हैं कि वो काम नहीं करना चाहते। तो ये बाबुओं की उदासीनता से हमारे कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। आज तक 10 वर्ष की सेवा होने के उपरांत आज तक ACP का लाभ नहीं दिया गया। पहले किसका शेष एरियल निटारी ब्लॉक का कम से कम 200 कर्मचारियों का जो आज तक नहीं दिया गया। दूसरी किसका शेष एरियल जनपद के सफाई कर्मचारियों को आज तक नहीं दिया गया है। और 2008 के बाद की नियुक्ति के पश्चात आज भी हमारा NPS कटौती की पासबुक नहीं बनवाई गई है। 5वीं और अंतिम मांग हमारी ये है कि आज तक हमारे वेतन की एक तिथि निर्धारित नहीं की गई है। ये सब बाबुओं का खेल है और बाबू ही सबसे ज़्यादा उत्पीड़न कर रहे हैं, क्योंकि एक बाबू पे 5-5 पटल दे रखे हैं। अगर एक मात्र पटल सफाई कर्मचारी का एक बाबू दिया जाए तो कहीं ना कहीं समस्या का समाधान हो सकता है। सबसे बड़ी विडंबना ये सामने आती है कि निलंबन के नाम पे 10,000-20,000, पेस्लिप के नाम पे 500-1,000। तो इन सब चीज़ों को आज हम माननीय मुख्यमंत्री के जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुख्यमंत्री जो ज्ञापन दिया जाएगा, यदि इस पर भी विभाग द्वारा हमारी समस्या का निदान नहीं किया गया तो 15 दिन के भीतर हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय हमारे बिगल साहब का, बड़े भाई रंजीत सिंह काका जी का, राज कर्मचारी सहित परिषद के प्रदेश अध्यक्ष श्री संदीप भटोला जी का, एवं चौधरी जी का, महामंत्री सुशील कुमार जी का, हमारे महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष श्रीमती विप्लव सैनी जी का मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही आपके माध्यम से एक बार पुनः ये बात दोहराना चाहता हूँ कि यदि 15 दिन के भीतर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो दिनांक 18/9/2019 से हम अनिश्चितकालीन धरने बैठे हैं।